Just go. Don't think. Don't think. Just go. No. Then, okay, I count for you. Then you go. हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज मैं हूँ सांता आना, जो सिटी है जहाँ पर मैं मेरे होस्ट के घर था वो मैंने छोड़ दिया है। और अभी सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने क्या काम किया कि यहाँ पर ये ड्राई क्लीन वाली शॉप है, जिसे कि मतलब लवेंडेरिया बोलते हैं, जहाँ पर कपड़े धुलाते हैं। तो मैंने कपड़े धोने को दे दिया है, पीछे वाला बैग बिल्कुल खाली कर दिया है। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि कपड़े मैले हो जाते हैं ना ट्रैवलिंग के टाइम, और उनको धुलाना सबसे मुश्किल काम होता है ट्रैवलिंग के टाइम। तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मेरे को जाना है वो जो कल आपको लेक दिखाई थी पिछली वीडियो में, कोटापेक्का लेक, तो वो लेक देखने जाना है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर सिटी के सेंटर में चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या कुछ है इस सिटी में, और फिर वहाँ पर जाएंगे। क्योंकि पूरा दिन है, क्योंकि दो दिन मैं अभी यहीं हूँ, क्योंकि दो दिन के बाद मैं नेक्स्ट कंट्री में जाऊँगा। अभी आपको कंट्री नहीं बताऊँगा कौन सी, मेरे को वीज़ा वगैरह मिल गया है, वीडियो भी मैंने शूट कर रखी है, वीज़ा वाली आपके लिए मैं डाल दूंगा कैसे मुझे वीज़ा मिला। तो इसीलिए पहले चलते हैं सिटी के सेंटर में और फिर लेक देखने जाएंगे। अभी मैं सिटी सेंटर के अंदर हूँ, और आपने वीडियो में देखा कि यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मतलब कि बहुत भीड़ है यहाँ पर, सच में कम से कम हजारों लोग होंगे यहाँ पर, मेरे को समझ नहीं आ रहा लेकिन ये कर क्या रहे हैं। एकदम बिल्कुल जो सैन साल्वाडोर इनकी कैपिटल है ना, उनके जैसा सेंटर है बिल्कुल। वहाँ पर भी एक थिएटर था, वहाँ पर भी एक इनकी बिल्डिंग थी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, और ये भी थिएटर नेशनल है, वो भी थिएटर नेशनल था। हर सिटी के सेंटर मतलब बिल्कुल सेम बने होंगे। दूसरी बार आया हूँ मैं किसी सिटी के सेंटर में, काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब कि आराम से बैठो। लेकिन पर पता नहीं मेरे को इतने लोग करते क्या हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो लाइन भी लगी हुई है, ये देखो। बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला इलाका है यहाँ पर। मास्क तो लगभग सभी बंदे पहनते हैं, पता नहीं क्यों, सच में लोगों को डर लगता है यहाँ पर यार। आप मतलब कि बहुत से लोग तो अपने ना बस में बैठने से पहले सीट पर भी मतलब कि उसको सैनिटाइज करते हैं अपनी सीट को भी, फिर घर के अंदर जाने से पहले जूतों को सैनिटाइज करते हैं, काफ़ी बार मैंने ऐसे देखा है। और अगर कोई मेरे जैसा बंदा बाहर का मिलता है फॉरनर, तो उसके साथ तो बिल्कुल बात भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन सभी ऐसे लोग नहीं हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ भी ज़्यादा कुछ है नहीं सिटी के सेंटर में, अपन लेक पर चलते हैं, थोड़ा स्विमिंग करेंगे लेक में, गर्मी लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बस पकड़ता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। सांता आना सिटी के टर्मिनल से जो मैंने बस ली थी, उस बस ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ से मुझे जो लागून लेक को बोलते हैं, लेक कोटापेक्का की जो बस मिलेगी वो यहीं से मिलेगी। सही रहा, और इतनी महंगी भी नहीं है, $25 में आप कहीं भी पहुँच जाओगे। 25 सेंट मतलब 18 से 19 रुपये हो गए। और अभी मैं उस सिटी से यहाँ आ गया हूँ लगभग 35 सेंट में, मतलब कि 25 रुपये मान लो आप, और जो कि 25 किलोमीटर तो होगा, आराम से 25 किलोमीटर होगा। और यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं, अभी यहाँ से बस ढूँढता हूँ। 242 नंबर बस जाएगी लेक पर, और वहीं मेरा हॉस्टल है, फिर हॉस्टल में रुक जाएंगे।
फाइनली मैं मेरे हॉस्टल में पहुंच गया हूं। ये मेरा बेड है और इस हॉस्टल में मैं 3 अलग अलग बस बदल कर पहुँचा हूँ। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, एल साल्वाडोर में कहीं भी खड़े हो जाओ आप, कहीं भी आपको बस मिल जाएगी। लोकल बस इतनी ज़्यादा चलती है ना यहाँ पर, लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। हर 5 मिनट में आपको बस मिलेगी, हर एक गली से बस निकलती है, हर एक सिंगल गली से। तो इसीलिए बहुत ईजी है और 18 से 19 रुपये में आपको बस मिल जाती है कहीं पर भी जाना हो आपको। और मैं यहाँ पर लगभग 30 से 40 रुपए में पहुंच गया, जो कि यहाँ से मेरे जो होस्ट का घर था वहाँ से ये लगभग 40 किलोमीटर के आसपास था। तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, थोड़ी डुबकी लगाते हैं लेक के अंदर। लेक बहुत सुंदर है, हॉस्टल भी बहुत सुंदर है, आपको अभी दिखाता हूँ सब कुछ। मज़ा आएगा आपको, सच में मज़ा आएगा। Just go! Don't think! Don't think, just go! No! Then, okay, I count for you, yeah, then you go. Okay? 1, 2, 3, yeah! That's it. Well done, well done! 1, 2. Okay, like, okay, I will. मजा आ गया यार जंप कर कर, काफी ऊंचा है। आप यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ से लगभग 25 से 30 फुट ऊपर तो होगा आराम से। और जो मेरे साथ जिन्होंने जंप लगाई थी वो देखो कहाँ पर चले गए, यहाँ से तो दिख भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल बीच में है। इतना दूर तक मैं नहीं तैर सकता यार, क्योंकि ना मैंने जो स्विमिंग सीखी है वो अपने आप सीखी है, गांव में नहर में नहा नहा कर। मैंने कभी ऐसे नहीं है कि स्पेशली किसी से क्लास ली हो। आपको पता है यूरोपियन पीपल को, सभी को स्विमिंग सीखना बहुत ज़रूरी होती है, तो ये यूरोप से हैं और उनके स्कूल में क्लासेस लगती है स्विमिंग की। अपने इंडिया में तो ऐसा कोई रिच लोगों का स्कूल है ना, उसी में होता होगा, अपने स्कूल में तो होता नहीं कहीं भी ना। मैंने एक को कभी मेरे स्कूल ना स्विमिंग पूल में लेके गए, कभी भी नहीं यार। तो फिर से जंप करते हैं, मज़ा आएगा यार, मज़ा आ गया सच में, बहुत ज़्यादा ऊपर है। एक बार तो डर लगा था, लेकिन जब वो लड़की ने कूदा ना तो मैंने सोचा यार मुझे भी कूदना चाहिए, नहीं कूदूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर वो भाई भी साथ वाले कहते हैं कि नहीं नहीं कूद जाओ कूद जाओ। अभी मैं इस बोर्ड पे हूँ जो कि मुझे मेरे होटल से मिला है, बिल्कुल लेक के बीच में आ गया हूँ देखो। लेकिन मैं लाइफ जैकेट नहीं लेके आया यार, सच में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये बोर्ड बहुत हिलता है यार। जैसे कयाकिंग मैंने की थी एक्वाडोर में वैसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हिलता है ऐसे। और हॉस्टल में आपको दिखाता हूँ, मेरा वो सामने वाला हॉस्टल है, बिल्कुल सामने वाला।
यहाँ से काफी सुंदर दिखता है। उन्होंने बताया था मेरे को, कहते हैं कि अगर आप स्विमिंग करके नहीं जा सकते ना तो बोर्ड लेकर चले जाओ, लेकिन काफी ज्यादा सुंदर दिखता है इधर से नज़ारा। तो आप जाओ, आपको जरूर देखना चाहिए ये नज़ारा। तो बढ़िया मजा आ गया सच में यार, क्या मतलब बेस्ट हॉस्टल है। अगर कोई भी आता है एल साल्वाडोर में तो सांता आना में, इस हॉस्टल का नाम है कैप्टन मॉर्गन, और मुझे $11 में ये रूम मिला है। लगभग मतलब कि 800-850 रुपये मान लो, 850 रुपये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ऐसी जगह पर आपको एक्टिविटीज़ भी काफ़ी करने को मिलेगी हॉस्टल में, फ्री बोट राइड भी है यहाँ पर, और जंप कहाँ से कर सकते हो, मैंने आपको कल करके दिखाई थी जंप, आज नेक्स्ट डे है। वैसे वो जो आपने कल जंप वाली वीडियो देखी थी वो कल की थी, तो आज मैं फिर से जंप करूँगा, मज़ा आएगा यार। वो बंदे जो है वो ऑस्ट्रिया से हैं, जो दोनों जिन्होंने मेरे साथ जंप की थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं वापस वहाँ जाता हूँ और ट्राई करता हूँ दोबारा जंप करने। Hello, these guys I met in Captain Morgan Hostel, and they are traveling from last 10 years and they visited 60 countries, no? Yeah, okay. Nice man, nice meeting you.